अरे भाभी दरवाजा तो खोलो, मेरे भैया के लिए रक्षाबंधन का तोहफा दरवाजे के उस पार है। सच कह रही हो वंदना, तुमने हमें माफ कर दिया। चलो अब कोई गिला शिकवा नहीं रहा, चलिए जी बाहर देखते हैं हमारी लाडो ने क्या तोहफा रखा है हमारे लिए, अंजलि ने कहा। फिर अंजलि और वरुण दरवाजा खोलते हैं तो बाहर का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। क्या था बाहर और क्या चल रहा था यहाँ, आइए जानते हैं। सुनिए जी, इस बार राखी पर वंदना को कहिए कि आप ही उसके घर चले जाएंगे, उसे आने की जरूरत नहीं है। एक सूट रखा है मैंने, बस एक ही बार पहना है, वही दे दीजिएगा, अंजलि ने कहा। पर अगर वो पूछेगी तो क्या बताऊंगा, वरुण ने कहा। कह देना तेरी भाभी अपने मायके जा रही है, अंजलि ने कहा। पर तुम्हारा तो कोई भाई है ही नहीं, फिर ये बहाना, वरुण ने कहा। आप ना ज्यादा मत बोलिए, जितना कहा है बस इतना ही कीजिए। पहले तो मम्मी जी की वजह से वंदना को मना नहीं कर पाती थी, पर अब तो मम्मी जी भी नहीं रही, इस बार उसके आने का कोई वजह भी नहीं है, फिर क्यों इतना तामझाम करना। अगर इसकी आदत इसी तरह लग गई ना तो फिर मरते दम तक सिर पर चढ़ी रहेगी, अंजलि ने कहा। राखी बीत गई और जैसा अंजलि ने कहा वरुण ने भी वैसा ही किया। लगभग एक साल पहले की बात थी जब अंजलि हर रक्षाबंधन पर अपने भैया को राखी बांधने आती थी और उसकी माँ उसका बेसब्री से इंतजार करती थी। पर अभी कुछ ही महीने हुए हैं उसकी माँ सीमा जी को गुजरे हुए और यहाँ भैया भाभी उसके न आने के बहाने ढूंढ रहे हैं। शायद इसलिए कहा जाता है कि माँ बाप से ही मायका होता है, पर ये तब की बात है जब सीमा जी जीवित थी। एक दिन अचानक वंदना अपने भैया भाभी के यहाँ सुबह सुबह आ जाती है। अरे वंदना इतनी सुबह सुबह, क्या बात है, अंजलि ने पूछा। वो भाभी इनकी तबीयत अचानक से काफ़ी बिगड़ गई है, इनका ऑपरेशन करवाना है, अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने भैया को फ़ोन पर भी कहा था, कुछ पैसे ही घट रहे हैं, वो मुझे थोड़ी जल्दी थी इसलिए खुद ही चली आई, वंदना ने कहा। दोनों की बातें सुनकर सीमा जी वहां आ जाती हैं और फिर वरुण को भी बुलाया जाता है। सीमा जी कहती हैं, बेटा क्या इसने तुझसे फ़ोन पर पैसों की बात की थी? हाँ मम्मी की थी, पर मेरे पास अभी कोई पैसे नहीं है। पर ये माने तब ना, मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे पास अभी फिलहाल कोई पैसे नहीं है, वरुण ने झल्ला कर कहा। अच्छा बेटा तू रुक यहाँ, मैं अभी तेरे लिए कुछ करती हूँ। मेरे पास मेरे कुछ गहने पड़े हैं जिन्हें बेचकर अभी तेरा काम निकल जाएगा, अभी दामाद जी को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, सीमा जी ने कहा। क्या क्या कहा आपने, आप अपने गहने इन्हें देंगी? यहाँ बेटे के सर पर बैठकर खा रही हैं और गहने देंगी बेटी को? वाह मम्मी जी, पर हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे, और अगर आपने फिर भी ऐसा किया तो फिर रहना अपनी बेटी के साथ, अंजलि ने अपनी आंखें तरेरते हुए कहा। अब इस उम्र में बेचारी सीमा जी और कहाँ जाएंगी, वो चाह कर भी आगे कुछ नहीं कर पाती, उल्टा उनके गहने पर अंजलि कब्जा कर लेती है। उस दिन तो वंदना चली गई, पर वो अपने इस दिन को हमेशा याद रखेगी, ये सोचकर अपने मन में कुछ ठानती है। दिन बीतते गए और सब कुछ सामान्य सा लगने लगा। इस बीच की सीमा जी भी चल बसी। सीमा जी की वजह से वंदना उस घर में आती थी, फिर उसका आना भी लगभग बंद हो गया। उसके भैया भाभी का वह बर्ताव वह चाह कर भी भूल नहीं पा रही थी। फिर उसे अपने भैया भाभी के एक और राज का पता चलता है। दरअसल हुआ यूं कि एक दिन वंदना बाजार में थी, तभी उसे उसके पड़ोसी से भेंट हो गई। वह उसे बताती है कि उसकी भाभी उसकी माँ को बहुत सताती थी और कई कई दिनों तक भूखा रखती थी। जिस दिन उनकी मौत हुई उसके एक दिन पहले उनके काफ़ी रोने की आवाज़ भी आई थी और अगली सुबह उनके मरने की खबर मिली। वंदना को उनकी बातें सुनकर इतना तो यकीन हो गया कि माँ को इन्होंने ही कुछ किया होगा। अब उसने ठान लिया इसकी गहराई तक को जाएगी।
फिर एक दिन वरुण को एक कॉल आती है जहां उसे कोई बताता है उसकी माँ के नाम से एक जमीन है जिसे वो बेचना चाहती थी। सारे कागजात भी पूरे हो गए थे पर एक कागजात पर दस्तखत रह गए थे और उनके मरने की खबर भी मिली। अब हमें पता चला है उन्होंने इस जमीन के कागजात की नामनी में अपनी बेटी को रखा था तो उसके दस्तखत करने से भी चलेंगे। वरुण और अंजलि तो हैरान ही हो जाते हैं कि माँ की एक जमीन भी थी जिसको उन्होंने बेचने के लिए भी रखा था और तो और नामनी भी वंदना को बनाया। उनका खून खौलने लगा पर अपने गुस्से को दबाकर उन्हें फिर उस आदमी से पूछा, कितने में बिकी है वो जमीन? 50 लाख में, उस आदमी ने कहा। 50 लाख सुनकर तो दोनों का मुंह खुला ही खुला रह गया पर अब समस्या ये थी कि वंदना इसकी नामनी थी। फिर क्या था, लगाया गया फोन वंदना को। क्या बात है वंदना, अपने भैया भाभी को भूल गई क्या? उस दिन की बात से अभी भी नाराज हो? उस वक्त मेरे हाथ भी खाली थे इसलिए तेरी मदद नहीं कर पाया। और रही बात माँ के गहने की तो वो माँ के इलाज में ही लगने वाले थे इसलिए उन्हें देने से रोका। तुझसे इसलिए उस वक्त बताया नहीं पर अब जब माँ ही नहीं रही तो छुपाने का कोई फायदा नहीं। दरअसल माँ को कैंसर था और उनके इलाज में काफी खर्च भी हो रहा था जिसे हमें इधर उधर से लेकर चुकाना पड़ रहा था। तुझे उस वक्त कुछ नहीं बताया था कि तू चिंता ना करे और माँ को भी इस बारे में पता नहीं था वरना वो पहले ही हिम्मत हार जाती, वरुण ने कहा। फिर अंजलि फोन लेकर कहती है, वंदना अब तो तुम्हें हमारी सच्चाई का पता चल गया ना, अब तो अपने भाभी से मिलने आओ। हाँ भाभी मैं कल ही आती हूँ, मैं भी कितना तड़प रही थी आप लोगों से मिलने के लिए, मैं कितना गलत समझती थी आप लोगों को पर आप लोग तो अपने ही दुख में डूबे थे, वंदना ने कहा। अगले दिन वंदना आती है, काफी देर तक बातचीत के बाद वरुण कहता है, ये ले बहन इस पर साइन कर दे। ये क्या है भैया, वंदना ने कहा। ये इस घर का आधा हिस्सा मैं तेरे नाम कर रहा हूँ, यहाँ जो भी है हम दोनों का है, वरुण ने कहा। ये आप क्या कह रहे हैं भैया, यहाँ का सब कुछ आपका है, मुझे किसी ने फोन पर बताया मम्मी की कोई जमीन के कागजात पर मेरे दस्तखत चाहिए तभी वो जमीन बिकेगी इसलिए मैं यहाँ आई। भैया मैं साइन कर दूंगी पर ये सब मुझसे नहीं चाहिए, माँ के इलाज के लिए काफी खर्च हो गया है आप लोगों का, ये सब आप ही रख लेना, वंदना ने कहा। वरुण और अंजलि के तो मन में लड्डू फूट रहे थे, वो वंदना को छोड़ दोनों अपने कमरे में गए और हंसने लगे। इसे कहते हैं जब अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। मम्मी जी को भी रास्ते से हटा दिया और उनकी सारी जायदाद भी मिल गई। छुपाकर जिस बेटी के नाम जमीन खरीदी थी आज उसी बेवकूफ बेटी ने सब कुछ हमें दे दिया। कहां हम सोच रहे थे कि पता नहीं हमें वंदना को कितना मनाना पड़ेगा पर ये बेवकूफ अपने माँ के कातिलों को ही उनका हमदर्द समझ रही है, अंजलि ने कहा। मानना पड़ेगा अंजलि, काफी सातिर दिमाग पाया है तुमने, माँ को कैंसर था ये दिमाग अच्छा लगाया, वरुण ने कहा। हाँ पर मम्मी जी इतनी जल्दी मर जाएंगी ये पता नहीं था, लोग तो कई कई दिन तक भूखे रहते हैं, यहाँ तो बस 2 दिन की ही भूखी थी मम्मी जी, अंजलि ने कहा। चलो हमने माँ को मुक्ति दिलाई, उम्र तो हो ही गई थी, ऊपर से डायबिटीज प्रेशर गठिया ना जाने कितनी बीमारियों से पीड़ित थी, उन्हें भी शांति मिल गई और हमें भी, वरुण ने कहा। चलो चलो बाहर अभी स्टैंड को अभी पटा कर रखते हैं, एक बार ये भी साइन कर दे फिर इसको भी इस तरह से अलविदा करें कहेंगे कि ये कभी यहाँ आने से पहले 10 बार सोचेगी। फिर वह दोनों बाहर आ जाते हैं, तब वंदना कहती है, भैया वो आदमी सारे कागजात लेकर आ रहा है आधे घंटे में, मैं साइन करके निकल जाऊंगी, आगे आप देख लेना। हाँ हाँ ठीक है तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा, वरुण ने कहा। फिर वह आदमी आता है
और एक कागजात पर वंदना साइन करती है। आगे वो आदमी कहता है, वंदना आपने जो अपनी जगह जिसे नामनी चुना है उसे भी साइन करना होगा। इस पर वंदना वरुण की ओर देखकर कहती है, लो भैया आप भी साइन कर दो। वरुण तो 50 लाख की खुशी संभाल ही नहीं पा रहा था, वह इतना खुश था कि ना आओ देखा ना ताओ और वकील के कहते ही तुरंत कागजात पर साइन कर देता है। फिर वह वकील, ये काम तो हो गया, बाकी के काम भी जल्द ही पूरे हो जाएंगे, ये कहकर चला जाता है। ठीक है भैया, अब मेरा काम भी खत्म हो गया, अब मैं भी चलती हूँ। भाभी आपसे एक काम था, वंदना ने कहा। हाँ कहो, अंजलि ने कहा। आप लोग ही अब मेरा मायका हो, माँ के जाने से एक गलतफहमी की वजह से मैंने यहाँ आना बंद कर दिया था, पर जब वह गलतफहमी ही अब नहीं रही तो मेरे यहाँ आने में कोई पाबंदी नहीं। यहाँ इस घर के हर कोने में माँ की यादें हैं। आपसे एक विनती है, माँ के कमरे में कोई बदलाव मत कीजिएगा, मैं जब भी यहाँ आऊँगी वहीं रहूँगी, वंदना ने कहा। सीधे सीधे कहिए ना, अपने लिए यहाँ एक कमरे का इंतजाम कर इस घर पर अपना कब्जा बरकरार रखना चाहती हैं, तो फिर ये सब इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी, अंजलि ने चिढ़ते हुए कहा। अरे भाभी रुको जरा, अभी तक वो जमीन भैया के नाम हुई भी नहीं, इतनी जल्दबाजी करनी सही नहीं, थोड़ी देर और रुक जाती फिर अपना असली चेहरा दिखाती। मुझे भी मजा आ रहा था तुम दोनों का ये ढोंग देखकर, मुझे लगा इतने समझदार तो तुम लोग होगे ही। अच्छा ठीक है जाओ, मेरी छोड़ो, मैं यहाँ सब तुम लोगों की जिम्मे देती हूँ। और भैया दरवाजा खोलो, देखो मेरी राखी का तोहफा। हर बार तुम तो मुझे भाभी के पहने हुए कपड़ों से ज्यादा कुछ दे नहीं पाए, पर आज तुम्हारी ये बहन तुम्हें वो तोहफा देगी जिसे चाह कर भी तुम कभी भूल नहीं पाओगे। जब दोनों दरवाजा खोलते हैं पुलिस खड़ी होती है और वे वरुण और अंजलि को सीमा जी की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करने आए थे। ये सब क्या है वंदना, अंजलि ने पूछा। भाभी जिस तरह आप लोगों ने माँ को मारा उसके बाद भी ये पूछने की हिम्मत हो रही है, बड़ी आश्चर्य हो रही है। भूखा रखती थी ना आप माँ को, अब दोनों रहना जेल में भूखा, तब तुम्हें शायद माँ की तकलीफ का पता चले। और हाँ, माँ ने कोई जमीन नहीं खरीदी थी, ये तो तुम दोनों का भांडा फोड़ने के लिए मैंने सारा खेल रचाया था और तुम दोनों मेरे चंगुल में फंस भी गए। ले जाइए इन दोनों को और सबूत मैं ले आती हूँ पीछे से, इनकी सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। तुम दोनों को उम्र कैद जो ना दिलवाई तो मैं भी अपनी माँ की बेटी नहीं। ये कहकर वंदना दोनों को एक एक चांटा लगा देती है और कहती है, जाओ लालची भेड़ियों, अब जेल में बैठकर गिनते रहना 50 लाख। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।